अस्सलामुअलैकुम। तो फ़िलहाल मैं ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठा हूँ और मेरी जो फ़्लाइट है वो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर बाद की है और मैं इस टाइम जो है ना वो फ़्लाई कर रहा हूँ कुआलालंपुर मलेशिया के लिए। तो कुछ अर्सा पहले मैंने इसका प्रोसीजर स्टार्ट किया था और अभी फ़िलहाल जो है ऑलमोस्ट एवरीथिंग कंप्लीट हो चुकी है, लाइक चेक इन हो गया है, उसके अलावा अपना इमिग्रेशन भी हो गई है। तो फ़्लाइट जो है ना वो कल थी, लेकिन आज मैं इसलिए फ्लाई कर रहा हूँ कि कल फ़्लाइट जो है ना वो रिस्केड्यूल होकर आज पे आ गई थी। तो फ़िलहाल ये अनाउंसमेंट हो रही है और फ़्लाइट जो है ना वो डिले हो गई थी, तो जिस वजह से आज दोपहर की फ़्लाइट रख दी उन्होंने। तो उन्होंने कंपनसेशन हमें दी थी रात को, होटल भी उन्होंने प्रोवाइड किया था एयरलाइन ने। तो मैं बाती केयर मलेशिया से फ़्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान जो है ना वो अचानक से ही बना अपना कुआलालंपुर के लिए, पहले मेरा कोई इस तरह का प्लान नहीं था। तो प्लान बनाने की वजह यह है कि एक तो मैंने सोचा कि कंट्री एक्सप्लोर कर लेता हूँ, दूसरा वहाँ पे जो है ना कुछ अट्रैक्शन हैं, उसके अलावा बीचेस हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी जगह हैं जो एक्सप्लोर करने के लायक हैं, और दूसरा ये फ़्लाइट मेरी ज़िंदगी की अभी तक की सबसे लंबी फ़्लाइट होगी, 8 घंटे 30 मिनट की ये फ़्लाइट है। और पहले जो मैंने लास्ट फ़्लाइट से मतलब ली थी वो 2020 में ली थी कोरोना के टाइम में, वो थी कराची टू इस्तांबुल, वो तकरीबन 5 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट थी। तो फ़िलहाल देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहता है। तो फ़िलहाल मैं आपको इस व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा 2-3 चीज़ों के हवाले से। एक तो मलेशियन इमिग्रेशन फॉर पाकिस्तानी सिटीज़न वो थोड़ा टाइट है, तो वो हमने क्लियर करना है इंशाल्लाह। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास एक तो रिटर्न फ़्लाइट पेड होनी चाहिए आपकी, और दूसरा आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, और आपके पास शो मनी होनी चाहिए जो कि आलमोस्ट 3000 से 4000 रिंगट है, जो कि तकरीबन 800 से 900 डॉलर बनते हैं। तो मेरा स्टे वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 4 दिनों का, वैसे 5 दिनों का बनता था, लेकिन फ़्लाइट रिस्केड्यूल होने की वजह से ये तकरीबन अब 4 दिन मेरे पास रह गया। तो मैं वहाँ से जो है ना वो मैं लाहौर के लिए फ़्लाई करूँगा। तो फ़िलहाल मेरी फ़्लाइट की जो है ना वो बोर्डिंग ओपन हो गई है, तो चलते हैं फ़्लाइट की तरफ और आपको दिखाते हैं हम कुछ एयरपोर्ट के मनाज़िर। तो आप ये देख सकते हैं अभी पैसेंजर जो है ना वो बोर्डिंग गेट्स की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं अभी थोड़ी देर तक, अभी काफ़ी लाइन लगने वाली है बोर्डिंग गेट के लिए। तो ये फ़्लाइट तकरीबन 12:30 बजे की है और अभी फ़िलहाल 11:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, बल्कि नहीं अभी 11:40 हो रहे हैं। तो तकरीबन हमारे पास अभी भी 40-50 मिनट हैं फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। तो काफ़ी लंबी फ़्लाइट होने वाली है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। और आपको मैं इंशाल्लाह मलेशिया हम कुआलालंपुर सिटी एक्सप्लोर करेंगे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा आने वाले ब्लॉग्स में। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं वो सामने विज़ एयर की बोर्डिंग चल रही है और इधर से एक उज़्बेक एयरवेज का प्लेन जो है ना वो टैक्सी के लिए लगा हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो है ना बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं या शायद पैसेंजर्स का वेट कर रहे हैं या शायद टैक्सी का वेट कर रहा है। और सामने एक और फ़्लाइट जो है ना वो अस्ताना एयरवेज़ की फ़्लाइट है। तो फ़िलहाल चलते हैं अपनी बोर्डिंग की तरफ और ये एक लंबी लाइन के मनाज़िर आप देख सकते हैं। ट्रैवल तो किसी और कंट्री के लिए करना था, मतलब एक सोवियत कंट्री ही थी जो मैंने एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मुझे जो है ना जाना पड़ गया, मलेशिया जाना पड़ गया। लाइक आप कह सकते हैं कि सम काइंड ऑफ वीज़ा प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मेरे पास ये पासपोर्ट है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन है और पैसेंजर जो है ना वो वेट कर रहे हैं बोर्डिंग के लिए। सो गाइस दिस इज़ आवर प्लेन ऑन विच वी विल फ्लाई टुडे। बाकी एयरबस जो होती हैं उससे थोड़ा सा बड़ा है और ये बाती के एरोप्लेन ऑपरेट करती है, सॉरी। तो फिलहाल चलिए प्लेन बोर्ड करते हैं। ये आप देख सकते हैं ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के मनाजिर। वेलकम ऑन बोर्ड। तो मुझे आज 3rd row वाली सीट मिली है, इन द मिडल, नो विंडो सीट टुडे। तो भाई ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर हमारा प्लेन जो है ना क्रूज़ कर रहा है इस टाइम, और ऑलमोस्ट डिस्टेंस कवर हो चुका है, तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम और डिस्टेंस मजीद रह गया है कुआलालंपुर पहुंचने में।
और आप कुछ स्टैटिक्स देख सकते हैं फ़्लाइट के। तो ये किबला की डायरेक्शन दिखाता है, मतलब ये जो इसमें सिस्टम लगा हुआ है इंटरटेनमेंट वाला, तो आप देख सकते हैं। बस इंडिया की जो एयर स्पेस है वो ऑलमोस्ट क्रॉस होने वाली है और मैं बहुत थके हूँ। सो हियर वी आर इन कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड क्वाइट अ नाइस एयरपोर्ट। काफ़ी अच्छा लगा मुझे एयरपोर्ट देख के, अच्छी वाइब्स थी। तो फिलहाल चलते हैं, कुछ मुंह वगैरह धोते हैं, उसके बाद जो है ना इमिग्रेशन क्लियर करनी है हमने, और इमिग्रेशन के लिए जो है ना फिर प्रिपेयर करना है थोड़ा सा, क्योंकि इमिग्रेशन थोड़ा सा सख्त है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए मैंने सुना है और मैंने काफ़ी जो है ना वीडियोस वगैरह में भी देखा है। तो लेट्स सी भाई, आप मेरी शक्ल से मेरी हालत देख सकते होंगे क्योंकि मैंने पहली बार 8 घंटे की फ़्लाइट ली और बोरिंग भी नहीं कह सकते, कुछ पार्ट बोरिंग होता है फ़्लाइट का और कुछ पार्ट जो है ना वो इंटरेस्टिंग होता है। कभी मतलब कोई मूवी मैंने कुछ डाउनलोड की हुई थी, 2 मूवीज़, तो वो मैंने 8 घंटे की फ़्लाइट में मैंने 2 मूवीज़ देखी। उसके अलावा बस थोड़ा बहुत चिल किया, गाने सुने, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं अपनी सीट से उठ के खड़ा हो जाता था। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ, तो इमिग्रेशन के बाद आपको सारा प्रोसीजर और इंशाल्लाह दे मिल। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई एंट्री हो गई है मेरी मलेशिया के अंदर, एंट्री नंबर 6 और ऑलमोस्ट 7 कह सकते हैं। और इमिग्रेशन थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ी सी टाइट थी, मेरे साथ रशियन सिटीज़न थे और उज़्बेक सिटीज़न थे और एक दो कज़ाकी भी थे, तो उनके लिए इतना कोई इशू नहीं था, उनका वीज़ा ऑन अराइवल था तो उनको स्टैम्प करते गए ना। तो जैसे ही मेरी बारी आई तो मैंने अपनी हर चीज़ उनको ना एक तरतीब में, रिटर्न फ़्लाइट, अपना आइटनरी, अपनी और अपनी मतलब होटल बुकिंग, मैंने उनको हर चीज़ जो है ना तरतीब में दी। और मैंने व्लॉग जो मोस्टली देखे थे उसमें मैंने देखा था कि लोगों से उन्होंने शो मनी भी देखा कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं या कार्ड में कितने पैसे हैं तो वो भी दिखाओ। लेकिन मैंने उससे पूछा, उसने मेरे से पूछा कहाँ कहाँ विज़िट करोगे, मैंने उसको बताया ये प्लेसेस मैं विज़िट करूँगा, उसने मेरे से पूछा भी नहीं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, अगर आप रियल टूरिस्ट हैं और यहाँ पे घूमने आना चाहते हैं, मलेशिया को विज़िट करना चाहते हैं और आपके पास हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो आप घूम सकते हैं। और फिलहाल मैं अपने लगेज की तरफ आया हूँ, तो अब मैं अपने बैग का वेट कर रहा हूँ और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मैं जितने भी ब्लॉग देखे थे ना उसमें इतना मैंने बुरा मतलब पाकिस्तानियों के साथ ट्रीटमेंट देखी। एक ब्लॉग में तो कोई सुना है कि पूरी की पूरी फ़्लाइट इन्होंने डिपोर्ट कर दी थी, मतलब रिफ्यूज़ एंट्री कर दी थी पाकिस्तानियों को, लाहौर से वो फ़्लाइट आई थी। तो मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भाई ये क्या मतलब इतना भी क्या हो गया। लेकिन आप अगर जेन्युइन हैं, अगर आप ओके हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके लिए कोई आपको जो है ना रोक नहीं सकता। तो फ़िलहाल लगेज का वेट करते हैं, उसके बाद सिम कार्ड भी लेनी है और उसके बाद जो है ना फिर हमने टैक्सी या लोकल अगर देखेंगे, अगर लोकल मिल गई तो लोकल यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर टैक्सी। सो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैं अभी एयरपोर्ट से रवाना हो गया था तो टैक्सी मैंने ली थी, इन ड्राइव की थी, और अभी फ़िलहाल मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। और ये कुछ रात के 3 बजे के कुआलालंपुर सिटी के मनाजिर आप देख सकते हैं, काफ़ी वाइब्रेंट सिटी लगी है मुझे ये फ़िलहाल अभी तक जो मेरा रात का एक्सपीरियंस रहा है।